दोस्तों, आज की कहानी है बहू अब डिलीवरी के समय तो तुम्हारे आराम करने के दिन हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दिन भर खाली इधर उधर निठल्ले से बैठे मगज मारी करते रहते हो, लेकिन पापा के पास दुकान जाने के लिए समय नहीं है तुम्हारे पास, जबकि रोज पापा मम्मी से कह कर जाते हैं कि गोपाल को थोड़ी देर दुकान भेज देना, मैं भी आकर थोड़ी देर आराम कर लूंगा। आखिर उनकी भी उम्र हो गई है, लेकिन तुम समझना ही नहीं चाहते। मधु अपने पति गोपाल से सिर सिड़ाते हुए बोली, परेशान हो गई थी वो भी गोपाल के निठल्लेपन से, चलिए मिलाते हैं आपको गोपाल से। मम्मी पापा सुधा और रणबीर का इकलौता ससमो सिराग जब जाहिर सी बात है, जब इकलौता है तो लालन पालन भी खूब अच्छी तरह से हुआ होगा, इसीलिए बड़ा तो हो गया, लेकिन जिम्मेदारी संभालना नहीं आया। पहले तो लाड दुलार में कोई काम नहीं करने दिया, जितना पढ़ लिख जाए उतना ही ठीक, तो नौकरी करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन दुकान जाने के लिए भी तैयार नहीं होता। आराम मतलब तो इतना कि अजगर भी शर्मा जाए। धीरे धीरे बिल्कुल निठल्ला बन गया गोपाल, और अब तो जिसे देखो वो गोपाल को निठल्ला कहता। ऐसा करो, अब शादी लायक हो गया है गोपाल, तो पैरों में बेड़ी ही डाल दो, शायद बहू के कारण सुधर जाए और जिम्मेदारियों को समझने लगे। सुधा ने अपनी राय जाहिर कि ये सब तुम्हारे ही लाड दुलार का फल है, बैठे बैठे उसे दिन भर खिलाती पिलाती ही रहती थी। रणबीर सुधा को ताना देते हुए कहते, जैसे आपने तो उसकी आदतें बिगाड़ी ही नहीं, बेटा जितना जी साए उतना पढ़ना, तुम्हारे पापा के पास कोई रुपये पैसों की कमी नहीं है, ये कौन कहता था। अब तुम सारा दोष मेरे ही सिर पर मढ़ दो, सुधा बिफरते हुए कहती। आखिर तह ये हुआ कि गोपाल की शादी कर दी जाए, पत्नी आएगी चार चीजें लाने को कहेगी, तो निश्चिंत ही जिम्मेदारी को समझकर सुधर जाएगा। मधु को अपने गोपाल निवास की बहू बनाकर ले ही आए सुधा और रणबीर, लेकिन जो सुधर जाए उनमें से नहीं था गोपाल। अब तो मधु भी उसके निठल्लेपन से परेशान रहने लगी थी। रणबीर कह कर जाते कि दुकान जरूर से जरूर भेज देना गोपाल को, सुधा और मधु कहती भी, लेकिन उसके कान पर जू भी ना रेंगती और वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता। मधु भी
उस लाने लिवाने को कहती तो उसको भी बातों में उलझा कर मना कर देता, वो भी कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी। लेकिन अब वो भी ज्यादा नहीं कहती, बस गोपाल का काम सिर्फ इतना कि खाना और सोना या फिर बैठे बैठे टीवी देखना। शायद कोई नहीं सुधार पाएगा गोपाल को, इसीलिए सबने गोपाल से कुछ भी कहना छोड़ दिया। इधर दो तीन दिनों से मधु कुछ उलझी से रह रही थी, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा था। खाना खाने बैठती तो उबकाई आती, कुछ सटपटा खट्टा मीठा खाने का मन करता, लेकिन संकोच वश कह नहीं पाती। सुधा भी कुछ कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पूरी तरह से कुछ नहीं निश्चिंत हो पा रही थी, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। शायद इसीलिए मधु परेशान है। और आज तीनों लोग बैठे बैठे खाना खा रहे थे, तभी मधु जोर से उबकाई लेते हुए वॉश बेसिन की ओर भागी, और जब तक सुधा और गोपाल को देखे तब तक वो शक्कर खाकर वहीं पर बैठ गई। अब तो कुछ सोच कर सुधा के अधरों पर मुस्कान तैर गई। सुधा ने गोपाल की सहायता से मधु को अंदर कमरे में लेटा दिया। मम्मी क्या हुआ मधु को, पता नहीं क्यों आज पहली बार गोपाल मधु को लेकर विचलित हुआ। अरे जा जल्दी से बगल वाले डॉक्टरनी साहिबा को बुला लाओ। क्यों मम्मी, मैंने जो कहा उतना करो, सुधा डपटती हुई बोली। गोपाल जल्दी से जाकर डॉक्टर विभा को बुला लाया। सारे चेकअप करते ही डॉक्टर विभा बोली, बधाई हो सुधा जी, आप दादी बनने वाली हैं। सच्ची बात है, सुधा तो बहुत खुश हो गई। हाँ भाई हाँ, लड्डू बटवाइए, डॉक्टर विभा बोली। अरे कोई मुझे भी बताएगा क्या मैं पापा बनने वाला हूँ? हाँ मेरे बच्चे तो पापा बनने वाला है। अरे वाह, गोपाल तो मारे खुशी के उछल पड़ा। उसने कनखियों से मधु की तरफ देखा, वो भी शर्मा कर हौले हौले लेटी हुई मुस्कुरा रही थी। जा गोपाल जल्दी से पापा को ये खुश खबरी सुना आ, जाकर दुकान पर वो भी बहुत ज्यादा खुश होंगे। और लौटते पर बढ़िया राधे लाल के शुद्ध देसी घी के लड्डू लेकर आना, पूरे मोहल्ले में बांटूंगी। सुधा के शब्दों में तो खुशी सलकी पड़ रही थी, लेकिन ताजुब हर बात को सिरे से नकार देने वाला गोपाल झटपट दौड़ पड़ा दुकान पर। मधु बिस्तर से उठने लगी। ना बेटा, अब तुम्हारे आराम के दिन आए हैं, सिर्फ काम उतना ही करना है जितना जरूरी है, भारी काम को तो हाथ भी नहीं लगाओगी, और अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखना होगा तुमको। मैं तो ध्यान रखूंगी ही, लेकिन तुम्हें विशेष ध्यान रखना होगा, सुधा हिदायत देती हुई बोली।
जी मम्मी जी, मधु फिर से लेट गई। सुधा ने झट से आकर मधु के ऊपर से राई लॉन उतार दिया। भगवान मेरी बहू को हर बुरी नजर से बसाना। परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और दूसरे ही दिन जो गोपाल बहुत कहने पर भी 11 बजे से पहले सोकर नहीं उठता था वो सुबह 9 बजे गोपाल नहा धोकर तैयार हो गया। तुम इतनी जल्दी कैसे उठकर तैयार हो गए? सुधा ने सवालिया निगाहों से गोपाल से पूछा। मम्मी अब मैं पापा बनने वाला हूँ और आज से मैं अपनी हर जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगा। मैं नहीं सहता कि मेरे बच्चे को कोई निठल्ले का बच्चा कहे। गोपाल के चेहरे पर एक गर्वीली मुस्कान थी। अब तो गोपाल रोज रणबीर से पहले ही दुकान चला जाता। मधु का तो बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता। जिसने जल्दी कभी एक गिलास पानी लेकर ना पिया हो वो खुद मधु की सेवा के साथ साथ सुधा की भी सहायता करवाता। क्योंकि अब रसोई की जिम्मेदारी सुधा ने अपने कंधों पर ले ली थी। सुबह दुकान जाते समय मधु से पूछ कर जाता कि आज तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, क्या खाने का मन कर रहा है, और वो बड़े सन्ने से सब कुछ लेकर आता और अपने हाथों से मनोहार कर करके मधु को खिला। एक अद्भुत परिवर्तन उस होने वाले बच्चे ने गोपाल के अंदर कर दिया। रात को जब गोपाल लेटता तो मधु के पेट पर सिर रख कर बच्चे की धड़कन सुनने की कोशिश करता। अरे मधु देखो तो, ये तो अभी से मेरे लात मार रहा है, गोपाल खिल खिला कर कहता। सच मधु, मेरा बच्चा बहुत भाग्यशाली होगा, देखना मैं इसको दुनिया की हर खुशी दूंगा। लेकिन जी मैं इसको भरपूर मेहनत भी करना सिखाऊंगी। सही कहती हो तुम, हम इसे अपनी तरह निठल्ला तो बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा, ये हमारा तुमसे वादा है, गोपाल मधु का हाथ पकड़कर बोला। अब निठल्ले कहाँ रहे आप, अब तो आप बहुत ही केयरिंग पापा हैं। मधु ने भी बहुत ही प्यार से गोपाल का हाथ पर थपकी दे दी। सचमुच इस प्यारे से एहसास ने मेरी जिंदगी बदल दी। गोपाल अचानक रोमांचित हो गया। एक पिता बनने का एहसास व्यक्ति को कितना बदल देता है। सचमुच जो हम लोग और मधु भी ना कर सकी वो मेरे होने वाले ससमों सिराग ने गोपाल को पापा बनाकर दिखाया। और उधर सुधा और रणबीर भी गोपाल के इस बदले हुए रूप से बहुत ज्यादा खुश थे।